आज जो बॉम्बे के अंदर जो एक बिल्डिंग गिरी है, बहुत दिल दहला देने वाली घटना है। ये 11:40 पर ये बिल्डिंग गिर गई। ऐसे गिरी जैसे कि एक कोई कागज का या किसी चीज का एक बहुत जो नाजुक एक घर होता है, इस तरीके से ढह गई। इसमें 12 लोग अपने जान से हाथ गंवा बैठे, 6 लोग घायल है जो निकाले गए हैं। तो इसका बहुत सारे जो है, हर बारिश के टाइम पे ये चीज घूम फिर के ये घटना कहीं ना कहीं, चाहे वो मुमरा लक्की कंपाउंड हो, चाहे वो बॉम्बे के अंदर हो, ये मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे कि आज भी इतना सब होने के बाद भी इतने लोग अपने जान से हाथ धोने के बाद भी, और इतने लोग अपनी जिंदगी अपनी फैमिली पूरी गंवा चुके हैं, उसके बावजूद भी ये जो काम होता है बिल्डिंगों का, इनलीगल काम जो होता है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है इसका जिम्मेदार कि आवाम है इसकी जिम्मेदार? ये फैसला आप लोगों को करना है। दूसरी चीज है, आज अगर ये बिल्डिंग के अंदर जाने का कहीं से रास्ता होता, या कहीं अगर जगह होती गाड़ी जाने का या फायर ब्रिगेड जाने का, तो शायद और भी कुछ लोगों की जान बच जाती। लेकिन आज ये गली के अंदर ना कहीं गाड़ी जा सकती है, ना कोई एम्बुलेंस जा सकता है, ना कोई फायर ब्रिगेड जा सकती है। यही वजह है कि आज इतने लोगों को अपने जान से हाथ धोना बैठा है। तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है या जो बिल्डिंग बनाया वो है? इसके ऊपर सरकार एक ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये हमेशा एक सवालिया निशान बना हुआ रहता है, हमेशा ये चीज होता है, और थोड़े दिन के बाद में ये जो है ऐसे ही खत्म हो जाता है और इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं इस न्यूज के जरिए से अपील करूंगा कि सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए। जो इनलीगल बिल्डिंग का काम होता है या जो इस तरीके से पुरानी इमारत है, इसके ऊपर एक कार्रवाई करें और इस चीज को खत्म करें, ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा हादसा ना हो सके। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज। मेरे चैनल को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, फेसबुक पे अगर देखते हैं तो उसको लाइक करिए।